सभी मित्रों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर वाले का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूँगा 8415 जो बिहार पुलिस का सिपाही का फाइनल मेरिट हो गया था। और आपको बता दूँ, खगड़िया में लगभग 130 सिपाही योगदान दिए हैं, जिसमें एक ये रवि रंजन जी हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये रवि रंजन जी सेलेक्शन से पहले मेरा वीडियो देखा भी करते थे, और भगवान का कृपा हुआ कि इनका दे दिया खगड़िया ही, और हमारा और इनका मिलन हो गया। अच्छा, आप बताइए, आप हम वीडियो जब बनाते थे उस समय आप मेरा वीडियो देखा करते थे यूट्यूब पे क्या? जी, मतलब फिजिकल देने के बाद में कट ऑफ के संबंध में बहुत सारा वीडियो मतलब देखे हैं। जो भी आप कट ऑफ से संबंधित वीडियो डाले हैं या उसके अलावे भी जो भी वीडियो डाले हैं उसको प्रॉपर रूप से देखते आ रहे हैं। सर, दर्शकों को मैं बता दूं कि मैंने जो 8415 का कट ऑफ जो बताया था, वो कट ऑफ पूरा सेम गया, सिर्फ ईबीसी का कट ऑफ 2 नंबर भाग गया था। क्योंकि मैं भी अंदाज़ा से ही बताता हूं थोड़ा सा, उसके लिए इन्होंने भी बताया कि कट ऑफ अच्छा गया है। और मैं बता दूं, इन्होंने 8415 में जो ये खगड़िया में योगदान दिए, आज इनका पहला दिन है वर्दी पहनने का, इसलिए आप आज पहला दिन वर्दी पहनने हैं। बताइए, कैसा फीलिंग हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब वर्दी के साथ में मतलब खुद को मतलब बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब इसके आगे का जो सफ़र होगा बहुत ही अच्छा और रहेगा। अच्छा, पुलिस परिवार का आप सदस्य बन गए हैं, तो क्या आपको इससे खुशी हो रहा है? जी, बहुत खुशी हो रहा है। इसके लिए दिन रात एक करके इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और खुशी तो जाहिर बात है अंदर से मतलब है, बहुत खुश हैं कि इससे जुड़े। आप सुने होंगे कि पुलिस विभाग में छुट्टी का बड़ा अभाव होता है, ये बात तो आप सुने होंगे, तो फिर भी आप पुलिस ज्वाइन करना कैसे उचित समझे? जी, इसके लिए मतलब कोई मतलब खास नहीं था। पहले तो शुरू में हर व्यक्ति का मतलब हर जो भी बच्चा तैयारी करता है उसका तो पहले स्टडी होता है कि हाँ जॉब लेना है। अब जैसे कि मेरा जब फॉर्म डाले बिहार पुलिस का तो मतलब उस समय फॉर्म डाले इतना कुछ सोचे नहीं थे कि मतलब छुट्टी मिलता है या नहीं मिलता है। फॉर्म डाले, रिजल्ट हुआ, फिजिकल दिए और मेरिट जब आया उसके बाद में मतलब इतना लगा कि ये सोच के दिल को मतलब तसल्ली दिया गया कि चलिए कोई बात नहीं, लोगों की सेवा के लिए जा रहे हैं, लोगों की मतलब सुरक्षा के लिए जा रहे हैं और मतलब मेरे से अगर कोई सुरक्षित है इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है, इसी की अच्छा, वजह से। इस वर्दी पहनने में आपके फैमिली या तो आपके फ्रेंड, सबसे अहम योगदान किनका? एक नाम, एक व्यक्ति का नाम बताइए जिनका सबसे ज्यादा योगदान हो। जी, एक व्यक्ति को इंडिकेट करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी मतलब उपलब्धि को पाने में एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। और इसके लिए मतलब हम अपने गुरुजनों और माता पिता और मेरे फैमिली के सभी मेंबर को और उसके साथ साथ मेरे दोस्तों को भी मतलब वो तो ये होता ही है, लेकिन एक व्यक्ति का अहम योगदान जरूर होता है जो कि मतलब आपको हमेशा मार्गदर्शन देता है, वो कहीं पापा ही हो या भाई ही हो, जो भी हो, ऐसा हमारे हिसाब से, पता नहीं आपके हिसाब से क्या है। जी, मेरे हिसाब से तो मतलब मेरे पिताजी थे जो कि मतलब बताते थे या हमको कहीं जगह पे बताते थे कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है और मतलब बहुत सारा मतलब गाइडेंस। मतलब रिटेन एग्जाम रिजल्ट आने के बाद घर से ही मतलब फिजिकल तैयारी किए थे तो उस समय मेरे तो एक तो ऐसा नहीं कि आप फिजिकल कहीं जाके, या तो पटना में या तो कहीं कोई फिजिकल सेंटर ज्वाइन नहीं ना किए, नहीं, अपने वो खुद खुद ब खुद के तैयारी किए जी थे? गांव के पास में ही एक तो ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत सारा बच्चा आर्मी की तैयारी करता है, उन्हीं लोगों के साथ में हम भी तैयार किए और वहाँ पे बहुत सारा बिहार पुलिस का कैंडिडेट था जो खुद से तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत लोगों के मन में यह वहम रहता है कि पटना या कहीं जाएं तो ही फिजिकल का तैयारी किया जा सकता है। आप रवि रंजन जी से सुन सकते हैं कि वे खुद अपने घर पे ही फिजिकल का तैयारी किए थे। क्या आप हमारे चैनल से जुड़ के अच्छा लग रहा है ना आपको? जी, बहुत बहुत मतलब बहुत खुशी हो रहा है और मतलब ये मतलब फिजिकल देने के बाद में जुड़ भी अभी जुड़ के अच्छा लग रहा है ना? जी बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि और साथी भी जुड़े। हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? जी, हम यही बोलना चाहेंगे कि और साथी भी जुड़े और बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी जानकारी है बहुत अच्छे देते हैं और मतलब लगभग पूरा मतलब अच्छा क्लियर और सटीक जानकारी होता है और इस जानकारी के लिए आप लोग बिहार पुलिस के किसी भी जानकारी के लिए और विभाग की जानकारी के लिए आप इनसे जुड़ सकते हैं और सारा कंटेंट आपको अच्छा सभी मिलेगा। साथियों को धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।